नमस्कार, मैं हूं बिट्टू राजपूत और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका सेकंड न्यूज़ में। तो हम इस वक्त खड़े हैं राजस्थान के श्री गंगानगर की पदमपुर मंडी में। यहां पर लोगों को चेकिंग की जा रही है, आप देख सकते हैं यहां पर मंडी में जो लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और श्री सतनाम ग्रीन वेलफेयर फोर्स द्वारा ये चेकिंग की जा रही है। लोगों से पूछा जा रहा है अगर कोई कारण है, वैलिड कारण है, उसके बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों को जो मंडी में आ रहे हैं अपने कृषि व्यापार को लेकर या फिर अपने फसल बेचने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की अच्छी तरह से चेकिंग की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए भी उन्हें बोला जा रहा है, मास्क उनके चेक किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये सेवाएं निभाई जा रही हैं। डेरा सच्चा सौदा के ये सेवादार है जिनके द्वारा मिलकर ये सेवाएं की जा रही है। हमारे साथ हैं कुछ ऐसे ही सेवादार, चलिए बात कर लेते हैं। आपका नाम? नरेश। ये किस लिए रोका जा रहा है इनको? अभी क्या चेकिंग की जा रही है? ये जो बाहर से आ रहे हैं इनके पास वगैरह चेक करे जा रहे हैं। अच्छा, मंडी के अंदर कोई फालतू बिना मतलब के लोग अंदर एंटर ना करें। ये किसके द्वारा की जा रही है, कौन सी संस्था है आप? ये है एक डेरा सच्चा सौदा की ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स है, शाह सतनाम जी। अच्छा, तो यहाँ पर भी आपके सेवादार लगे हुए हैं या फिर और कहीं भी है? नहीं, अभी तो फिलहाल तो इसी धान मंडी के अंदर लगे हुए हैं। इसके दूसरे गेट पे भी हैं, वहाँ भी सेवादार कम करते हैं। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीप इंसा जी। अच्छा जी, तो ये थोड़ा बताइए आप ये कहाँ कहाँ सेवाएं की जा रही है? जी नंबर एक गेट पे, नंबर दो नंबर गेट पे सेवा लगी हुई है। शास्त्र नाम जी निस्वार्थ भावना से, जैसे गुरु जी ने हमें समझाया हुआ है उसी भावना के हिसाब से हमने यहाँ पे सेवा लगाई हुई है। जैसे पार्किंग, मोटरसाइकिलों की पार्किंग लगानी, यहाँ जैसे मजदूर लेबर पार्टी जैसे आ रही है उनको गाइड करना भी आपने इस प्रकार रखना है, मास्क लगाने, निस्वार्थ भावना से मास्क ही बना के बांटे जा रहे हैं और सेवा की भावना से लगे हुए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर श्री सतनाम ग्रीन वेलफेयर फोर्स द्वारा सेवाएं की जा रही है, लोगों की चेकिंग की जा रही है और प्रशासन का सहयोग भी इनके द्वारा किया जा रहा है। ये सेवादार मिलके उन लोगों की चेकिंग कर रहे हैं, उन लोगों को रोक रहे हैं और उनको बोला जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ करें, थोड़ा दूर रहें। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से पार्किंग के साथ साथ यहाँ पर एक बैंक है SBI का, वहाँ पर भी लोगों को रोका जा रहा है, चेकिंग की जा रही है, उनकी पासबुक चेक की जा रही है, उसके बाद ही छोड़ा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम गेट नंबर 2 पे खड़े हैं, यहाँ पर भी श्री सतनाम ग्रीन वेलफेयर फोर्स द्वारा भी यहाँ पर लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं। जो भी बैंक में आ रहे हैं यहाँ पर, आपको बता दें थोड़ी दूर यहाँ पर SBI का बैंक है धान मंडी में, तो यहाँ पर लोगों से उनकी कॉपी चेक की जा रही है, बैंक की पासबुक चेक की जा रही है, जो भी काम आ रहा है वैलिड रीजन के अनुसार ही उन्हें भेजा जा रहा है। तो चलिए हमारे साथ सेवादार हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनील इंसा है जी। अच्छा जी, तो ये किन लोगों को रोका जा रहा है और क्या उनसे पूछताछ की जा रही है? ये हम जी बैंक में जा रहे हैं जी, उनसे पूछताछ कर रहे हैं अभी कि आप किस लिए जा रहे हो, या जो माल लेके आ रहे हैं उनका नंबर है, जो लोगों के पास मास्क नहीं है उनको मास्क दे रहे हैं। अच्छा, यही सूचना दे रहे हैं जी सभी को, सोशल डिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं, बार बार हाथ धोने के बारे में बता रहे हैं, कोरोना की बीमारी के बता रहे हैं, जितना घर पर रहोगे उतना सुरक्षित रहेंगे हम। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर श्री सतनाम ग्रीन वेलफेयर फोर्स द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है, सेवाएं निभाई जा रही है। आप थोड़ा बता दें कितने घंटे ये ड्यूटी कर रहे हैं? हमारी सुबह 5 बजे से ड्यूटी है जी, 5 से 8 बजे तक आती है एक शिफ्ट, उसके बाद 8 से लेकर 11 बजे तक, 11 से लेकर 2 बजे तक हम 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, गेट नंबर 2 पे और गेट नंबर 3 पे हम 15 सेवादार काम कर रहे हैं जी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग ड्यूटी लगाई जा रही है, अलग अलग शिफ्ट बनाकर ये ड्यूटी कर रहे हैं, उन लोगों को समझा भी रहे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, कारण होने के अनुसार ही उन्हें भेजा जा रहा है, उनकी आईडी चेक की जा रही है और साथ साथ पासबुक उनकी चेक की जा रही है, जो बैंक में आ रहे हैं उनके अनुसार ही उन्हें भेजा जा रहा है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे सेकंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।